हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल पालक पराठा, जो बिल्कुल हम नए तरीके से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने पालक ले लिया है और मैंने इसको टिश्यू पेपर में स्टोर करके रखा था, इसकी वजह से बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो आप भी इस तरीके से इसको रख सकते हो। तो सबसे पहले हमें पालक को बॉयल करना है, तो उसके लिए मैं एक भगोनी ले ली है। तो हम सारा पालक एक भगोनी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम बॉयल करेंगे। तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी और इसको प्लेट से ढक देंगे ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। पालक को देख लेते हैं हम। तो देखिए, पालक हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो पालक हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक मिक्सर जार में पीस लूँगी। तो अब हम इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने वाले। ये मैंने धनिया ले लिया, जिसको मैंने हल्का सा भून लिया था। ये सौंफ, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और 4-5 काली मिर्च है, और ये हरी मिर्च है टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा लहसुन। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इस तरीके से अगर आप बनाओगे। थोड़ा सा काला नमक 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। और अब हम इसको एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसका आटा ले लेते हैं पराठे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसी के साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, एक और 1/4 छोटे चम्मच नमक। और ये देखिए, मैंने पालक का इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। इसे हम आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ढक्कन में जो लगा हुआ है इसको साफ़ कर लेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आटा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और आटा बिल्कुल गीला नहीं होता, और झटपट पराठे बन के, बहुत सारे झटपट बना पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। और देखिए, चार में थोड़ा सा वो लगा हुआ है पालक, तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटे के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे तो आटा बहुत ही अच्छा लग के तैयार होगा। इसी तरीके से हमें आटे को लगाना है। तो देखिए, आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको लगा लेंगे। और एक सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करेंगे पराठे के लिए। तो आटा हमारे लग के तैयार हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दूंगी ऊपर से ताकि थोड़ा चिकना हो जाए। और इसको मैं अब 10 से 15 मिनट के लिए प्लेट से कवर करके रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम चिकना हो चुका है आटा, हाथों पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आटा ले लूँगी और हम ये ट्रायंगल वाले पराठे बनाने वाले हैं। इससे इसको बेल लेंगे। सबसे पहले इसको गोल बेलेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर घी लगाएंगे और फिर से इसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हमें इसको फाइनल बेलना है। तो हल्के हाथों से हमें इसको बेल के तैयार करना है। इसी तरीके से बेल लेने पराठे को। तो देखिए, बिल्कुल भी नीचे पक रहा है, बहुत ही अच्छा आटा लगा है हमारा। तो पराठा हमारा बेल के तैयार है, अब हम इसको सेक लेंगे। तो देखिए, तवा भी हमारा गर्म है, हम इसको डाल दूंगी पराठे को। और गैस का फ्लेम अभी हमारा हाई है, एक साइड से सेकने के बाद हम उसको मीडियम कर देंगे। दूसरे को बेल लेंगे इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से बेलना है। घी लगा देंगे, फोल्ड करेंगे और फिर से घी लगाएंगे इसके ऊपर और इसको बेल लेंगे। अब तो देखिए, ये पराठा भी हमारा बेल के तैयार हो चुका है। एक साइड से पराठा सिक चुका है, इस पर घी लगा देंगे।
इसको पलट देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे इस टाइम। तो ये देखिए एक तरीके से इस तरीके से सिकना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। आप चाहे तो ये पराठे रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो, लेकिन घी में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो घी यूज करें। फिर से पलट देंगे और फिर से घी लगा देंगे। इसी तरीके से 2-3 बार उलट पलट करते हुए हमें पराठे को अच्छी तरीके से सेक लेना है। इसे बहुत ही अच्छा पराठा बनेगा, एकदम क्रिस्पी पराठा हमारा सेक चुका है। तो इसको निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए पराठे भी सेक लेंगे। तो गैस का फ्लेम फिर से हाई कर देंगे। एक साइड से पराठा सेक चुका है, तो घी लगा देंगे इस पर हम और इसको पलट देंगे। दूसरी साइड भी लगा देंगे घी। फिर से पलट देंगे। सेम यही प्रोसेस हमें बार बार करनी है, तो बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बनेंगे। और गैस का गैस के फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखने हैं, नहीं तो हमारे पराठे जल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए सारे पराठे सेक के तैयार करेंगे। तो 5 मिनट में ढेरों पराठे इस तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं इस तरीके से और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, एकदम नया तरीका है। तो ये देखिए हमारे सारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं, एकदम परतदार। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए हमारे बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं, आप इसको दही के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।